स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है या एनसीईआरटी की बुक है, वो ना एनसीईआरटी की बुक दो पेजेस में खत्म करती है इस चैप्टर को, पर क्योंकि मैं रेफरेंस बुक में से लिख के लाया हूँ ये, या ये स्कैन करके लाया हूँ। रेफरेंस बुक का नाम है एस एल अरोड़ा। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है मेरे हिसाब से, किसी को अगर फॉलो करनी हो स्कूल के लिए, और इसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, स्कूल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसमें एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, पांच नंबर सब गिवन है, तो अगर कोई लेना चाहे इस बुक को फॉलो कर सकता है। इसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन भी है अलग से, इसमें सब्जेक्टिव भी है, स्कूल लेवल के डेरिवेशंस भी हैं, और इसमें डेफिनेशंस भी हैं, सब कुछ है। तो इस बुक को फॉलो किया जा सकता है अगर कोई स्कूल के लिए स्पेसिफिकली करना चाहे, और कॉम्पिटिशन के लिए भी मोर देन सफिशियंट है। मुझे तो लगता है आज की डेट में बहुत ही बढ़िया बुक है वो। तो एस एल अरोड़ा, ठीक, ये रेफरेंस बुक साथ साथ ले सकते हो और प्रैक्टिस के लिए। तो वहां से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट कहां से है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर से। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कौन कौन सी हैं ये डिस्कस करता है। ये इसलिए डिस्कस करता है क्योंकि जो पूरी फिजिक्स है वो दो ही चीजों से बनी हुई है, या तो फोर्स से या एनर्जी से, दो ही चीजें चलती है नॉर्मली। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स में वो क्या है, वो फोर्स ही है। तो फोर्स को क्लासिफाई किया है, जो क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी है, जो आने वाली चीज है वही करवाऊंगा, तो आप उसको मार्क कर लेना। और जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनका शीट नंबर 35 है, 35। तो इसके अंदर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के अंदर अगर ब्रॉडली मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो ये बोलता है कि फोर्सेस बहुत सारी हैं। मस्कुलर फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन की फोर्स है, स्प्रिंग की फोर्स है, रस्सी की स्ट्रिंग की फोर्स है, विस्कस पानी की अपोजिंग फोर्स है जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, या एयर की विस्कस फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक, पता नहीं दुनिया भर की फोर्सेस है। लेकिन इसके अंदर अगर हम मोटा मोटा क्लासिफाई करें तो दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं फोर्सेस को। पहली क्या है, ग्रेविटी की फोर्स है, और दूसरी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये मोटी मोटी क्लासिफिकेशन है। तो जो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसी को आप टिक मार्क करते जाएं। घर से तो दो फोर्सेस है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाएं और डीप जाएं, बहुत ही छोटी छोटी, ये तो मोटी मोटी फोर्सेस हैं, बड़ी तो दिखती हैं। अगर हम न्यूक्लियस के अंदर बहुत छोटी फोर्सेस की बात करते हैं तो बहुत छोटे पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्सेस हैं वो दो तरीके से क्लासिफाइड है, और वो कौन सी है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपको याद होगा जब हमने चैप्टर फोर्स किया था तो हमने चार तरीके की फोर्सेस की थी, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग और वीक। तो जो जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, उसको मार्क करते जाना, सारी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़नी है आराम से, आप घर पे पढ़ सकते हो, मेरे हिसाब से ये मिनिमम थ्योरी है जो मैं बोलूंगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, शीट अभी आ रही होगी, वेट कर सकते हो। मिली नहीं अभी शीट लास्ट में, अभी ठीक। अब इनकी रेशियो गिवन है, कौन बड़ी फोर्स है कौन छोटी फोर्स है। बड़ी और छोटी फोर्स में ग्रेविटी की फोर्स सबसे छोटी मानी जाती है, वीक फोर्सेस, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, उसके बाद स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, इनकी रेशियो गिवन है, न्यूक्लियर फोर्स 10^38 है, और ऐसी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है 10^36 है, ऐसी वीक फोर्सेस 10^25 और ये 1 है। तो आप इसको टिक मार्क कर लो, ये इनकी रेशियो है जो ये बताती है कि कौन सी फोर्स वीक है और कौन सी स्ट्रॉन्ग है। कोई डाउट इसमें? रेशियो की स्ट्रॉन्ग की, जैसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है 10^38 टाइम्स ग्रेविटेशन की फोर्स है, इतनी बड़ी है। ये वाली फोर्स 10^36 टाइम ग्रेविटेशन की फोर्स है, ग्रेविटेशन सबसे छोटी है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, अब वो डिटेल में बताता है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटी की फोर्स मैंने बताया था कि किन्हीं भी दो मासेस के बीच में एग्जिस्ट करती है, तो किन्हीं भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है हमने किया था gm1m2/r², तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये अट्रैक्टिव इन नेचर ही होती है हमेशा। तो किन्हीं भी दो बॉडीज में ये फोर्सेस एप्लीकेबल है, यूनिवर्स में कहीं भी पड़ी होंगी, ये फोर्स दो बॉडीज आपस में लगाएंगी। क्लियर है यहां तक?
तो ये फोर्स मार्क कर लेना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी है ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही है, ये रिपल्सिव नहीं हो सकती, दो बॉडीज आपस में हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगी। नेक्स्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 एंड इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर, कि f जो है वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एज यू इंक्रीज द डिस्टेंस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट इसमें, तो इन प्रॉपर्टीज को नोट करते जाना। ऐसे ही ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये अर्थ और मून के ऊपर, सन और अर्थ के ऊपर भी एप्लीकेबल है, तो बहुत दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। वीकेस्ट फोर्स है एंड इट्स अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू बॉडीज, तो दो बॉडीज की एक ही लाइन पे, ये नहीं है कि एक बॉडी या फोर्स वहां लग रही है, लाइन के ऊपर रिएक्ट करेगी फोर्सेस। ये भी क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, कंजर्वेटिव वगैरह समझ में नहीं आएगा अभी, ये हम टाइम के साथ आगे आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। टिक, ये तो मैं कह रहा हूं जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको टिक मार्क करते जाओ। ठीक, सारी थ्योरी तो देखो आनी, तो इनमें से एक नंबर का ही आना है जो मैं बोल रहा हूं। तीन नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ी देर में बताऊंगा कौन सा आएगा, आएगा स्कूल में ही तो मैं बताऊंगा, पैरलेक्स मेथड पे आता है बेसिकली, पैरलेक्स मेथड पे ही आएगा, इनमें तो एक एक नंबर का जो आना होगा आ जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरी फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में फोर्स है, एक बार हमने डिस्कस भी किया था, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि उनका चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है। और हमने ये डिस्कस किया था फोर्थ चैप्टर में कि कोई भी दो चार्जेस के बीच में, जो कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने फोर्स बताई थी 1/4πε0Q1Q2r2, तो ये फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगेगी। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्लस टू में आएगा ये फॉर्मूला, ये फोर्स भी प्लस टू में आएगी, अभी नहीं आएगी, बस नॉलेज होनी चाहिए ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। इन फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टी है, बस ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी बहुत दूर दूर तक एक्ट करती है और मीडियम पे डिपेंड नहीं, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। एंड इट इज सेंट्रल फोर्स, ये भी एक्सिस के ऊपर ही काम करती है। एंड कंजर्वेटिव वाला पॉइंट समझ में नहीं आएगा अभी। ठीक, मेन मेन इनकी प्रॉपर्टीज है। उसी तरीके से एग्जाम्पल दे रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर ऑफ सम मैक्रोस्कोपिक फोर्सेस, तो कह रहे हैं मैक्रोस्कोपिक का मतलब जो मोटी मोटी फोर्सेस ऊपर ऊपर से बड़े बड़े पार्टिकल पे हमें दिखती हैं, उनमें से कौन सी फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में आती हैं। तो मैंने जब करवाया था ये टॉपिक, तो मैंने बहुत ब्रीफली करवाया था ऊपर ऊपर से, तो ये क्योंकि थ्योरी पूरी डिटेल में लिखी हुई है, उनमें से वगैरह कॉन्टैक्ट फोर्स, जब मैंने ये भी कहा था जब हम हैंड शेक करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आती है, बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं उसे। जब दो ब्लॉक्स भी कॉन्टैक्ट में आते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही बन जाती है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, नाम पता होना चाहिए अदरवाइज तो क्या ही है। ऐसे ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की फोर्स हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, ये भी बॉन्ड्स की वजह से बनती है। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स अभी हमने डिस्कस करना है, स्प्रिंग का चैप्टर, स्प्रिंग खींचोगे उसमें फोर्स आ जाती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। वंडरवॉल फोर्सेस केमिस्ट्री में यूज करते हो, मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस को वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। फोर्स इन अ टाइट स्ट्रिंग में टेंशन आ जाती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। उसका होने का रीजन मैंने शुरू में बताया था, उसका होने का रीजन क्या है, टेंशन का इलेक्ट्रॉन्स, जो फोर्स जो इलेक्ट्रो जो चार्जेस होते हैं वो बहुत जो है उसमें फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जिस वजह से क्या एग्जिस्ट करती है, टेंशन एग्जिस्ट करती है। क्लियर है यहां तक? तो ये मेन मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमने अभी अभी रेशियो से देख ही लिया। उसी तरीके से ये कुछ नहीं करना आपने, न्यूक्लियर फोर्स बस पता होना चाहिए, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स है क्या, न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स पे लगती है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन पे, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे, इनके बीच में फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इनकी ये प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है 10 की पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी
ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत कम डिस्टेंस पे काम करती है। और डिस्टेंस कितना होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10^-15 मीटर की रेंज में काम करती है। एंड ये अट्रैक्टिव फोर्स है बट बिकम्स रिपल्सिव, ये रिपल्सिव भी हो सकती है अगर डिस्टेंस बिटवीन दी न्यूक्लियस बिकम लेस देन 0.5 फर्मी, यानी कि 1 फर्मी जो होता है 10^-15 मीटर है। तो 10^-15 मीटर से अगर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये नेचर क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी, अट्रैक्टिव की जगह रिपल्सिव या रिपल्सिव की जगह अट्रैक्टिव। तो ये आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए और ये मेन मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि बाकी पॉइंट समझ में नहीं आएंगे आगे हमने चैप्टर्स में, क्योंकि करने हैं कवर अभी। तो ये मेन मेन चीज है इसमें। जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, वीक का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि जैसे एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो पार्टिकल्स निकलते हैं, केमिस्ट्री में मैंने बताया था। जैसे अगर रेडियो एक्टिविटी हो, अगर हम करेंगे केमिस्ट्री में ये भी, तो इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, एक न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ब्रेक होके क्या निकलता है, बीटा डीके हो जाता है, बीटा पार्टिकल्स उसमें से निकलते हैं। तो इसमें इट इज द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्वॉल्वड इन अ न्यूक्लियर बीटा डीके। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है। और इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो इज गवर्न्ड बाय वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बिकॉज दीज पार्टिकल्स कैन एक्सपीरियंस ओनली वीक इंटरेक्शन। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो में फोर्स बहुत कमजोर होती है, इसको वीक फोर्स बोलते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस 10^25 टाइम स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रेविटेशन, ये रहती लेकिन ग्रेविटी की फोर्स से ज्यादा ही है। तो इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू अ रेंज ऑफ न्यूक्लियर साइज, पर न्यूक्लियर के अंदर ही काम करती है, इसका रेंज बहुत छोटी है। पर क्योंकि मैंने क्या कहा, पूरी फिजिक्स के अंदर ही हम वीक न्यूक्लियर फोर्स को स्टडी नहीं करते, क्योंकि हमारी फिजिक्स के अंदर, चाहे हम मॉडर्न फिजिक्स भी करेंगे प्लस टू के अंदर, उसके अंदर भी इसकी जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, कि केमिस्ट्री वाले ज्यादा यूज करते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो टाइप पार्टिकल्स। बस पता होना चाहिए वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स समझ आ नहीं सकती, मैं ये कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी नहीं की, हमें नहीं पता कि रेडियो एक्टिविटी में जब न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं, जैसे बीटा पार्टिकल, जैसे कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, इनके बीच में जो फोर्सेज हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज हैं। पर क्योंकि हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं आती, हमें ये नहीं पता वो कैसे काम करती है, हमें ये नहीं पता एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो क्या होता है, तो क्या समझेंगे हम। तो मैं तो कह ही रहा हूं कि हमें समझ में नहीं आ सकती, हमारे फिजिक्स के स्कोप से है ही बाहर ये। बोलो मैं आपको ये भी समझ आ गया कि ये मैंने पहले दिन करवाया क्यों नहीं, कौन करवाएगा इसको पहले दिन, मुझे बताओ, स्कूल का टीचर ही करवा सकता है इसे। देखो, क्लासिफिकेशन करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी नॉलेज हो जाए हमें। अगर मैं आपको ये ना पढ़ाता, किसी कोई भी और टॉपिक पढ़ाता, कोई ज्योग्राफी पढ़ाता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ज्योग्राफी की पूरी एक 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 चीज को जान लो। क्लासिफिकेशन है, हम माइक्रोस्कोपिक के ऊपर काम नहीं करेंगे फोर्सेस पे बहुत ज्यादा इस पूरी फिजिक्स में, हम मैक्रोस्कोपिक करेंगे, मोटी मोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को स्टडी करो ना, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, आप मानोगे 7 अप्रैल को प्लस टू का सिलेबस स्टार्ट हुआ था क्लास, आज देख लो 24 जुलाई हुई है, अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स खत्म नहीं हुई उनकी, सिर्फ एक फोर्स, वो कुछ नहीं कर रहे पिछले 3-3.5 महीने से, या अभी 4 महीने हो जाएंगे, उनको सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स ही पढ़ाई जा रही है 4 महीने से, वो कवर नहीं हुई। तो मतलब ये तो पूरी यूनिवर्स की फिजिक्स एक 4 लाइन में समेट रहे हैं। तो मतलब आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो आपको मुश्किल लगेगी। तो इसीलिए मैं भी आपको बस इतना ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, डेफिनेशन देके छोड़ रहा हूँ, पूछने वाला भी चिंता ना करो, पूछने वाला भी आपसे इसमें से कुछ पूछेगा नहीं। तो मैं क्योंकि पुराने पेपर्स देख चुका हूं कि क्या क्या आता है, अगर इसमें से बहुत कुछ आ रहा होता ना, तो मैं आपको ना एक एक लाइन पढ़ के सुना रहा होता, देखो ऐसा होता है ऐसा होता है। इस पूरे जितना भी मैं बोल रहा हूं उसमें सिर्फ एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो हम ना बहुत ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले रहे हैं,
ये चैप्टर वैसा नहीं है जैसे हम फोर्स पढ़ते हैं, जैसे हम आजकल काम कर रहे हैं उसमें तो हम पूरा एक एक चीज देखते हैं, उसमें से आएगा अगर आएगा राइट, तो उतना ही कर रहा हूँ जितना मेरा एक नंबर का, मतलब देखो 4 घंटे लगा के एक नंबर गेन किया उसका कोई फायदा है भी नहीं वैसे, मैं बता रहा हूँ ठीक। तो बहुत हाई पोटेंशियल चैप्टर पड़े हैं हमारे पास फिजिक्स के जिसमें पता है 2 घंटे लगाए और 6 नंबर बाहर निकल आएंगे, तो उसमें पूरा टाइम लगाएंगे और पूरा करेंगे, ये तो बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं। और एसएल उड़ा तो फिर भी आपको एक्सपैंड करके बता रहा है, एनसीईआरटी तो 2 पेज में समझा देती है बस, वीक न्यूरल फोर 2 लाइन खत्म डन, तो फिर भी उसने ज्यादा समझा दिया, इतना ही है। ये शीट अभी मिल रही है, प्रिंट आउट हो रही है ठीक, तो मैं उतना ही करवा रहा हूँ जितना रिक्वायर्ड है, आप अपनी इच्छा से जो मर्जी पढ़ लें ठीक। तो इस चैप्टर की यही समस्या है कि बस ऊपर ऊपर से पता लगा अंदर नहीं गए, तो अंदर जाना भी नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ, पता लगे कि आप ऐसी इमोशनल हो जाएं, और तभी तो फर्स्ट लेक्चर में नहीं कराया, लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे, करोगे क्या अंदर जाके, फिर आप कहोगे कि यार ये तो बड़ी अजीब सी फिजिक्स चल रही है, और वाकई चल रही है अजीब सी फिजिक्स। ओके, इसके बाद ये आपने कुछ आपको नहीं करना, एक एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एक लाइन है, जबकि इसने तो पूरी हिस्ट्री पता नहीं कहां से निकाल रखी है, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, बस एक डेफिनेशन लिखी हुई है दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस बस। तो इसने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया, यूनिफिकेशन का मतलब है क्या, एक चीज को समझते हैं कि देखो पहले एग्जांपल समझते हैं फिर मैं आपको समझाऊंगा यूनिफिकेशन है क्या। अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखो जब से फिजिक्स शुरू हुई थी, और पहला नाम किसका है, न्यूटन का, जो कि 1687 में न्यूटन के लॉज, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सूडो फोर्स, जो आज लोगों को समझने में मुश्किल लगती है, उस बंदे ने उस टाइम ये निकाल के बता दिया था लोगों को कि ऐसा होता है, जो कि बहुत बड़ी बात है ठीक। तो न्यूटन ने सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल डोमेन्स पे काम किया, मतलब एक हेवनली बॉडीज पे भी किया जो अर्थ की रेंज में लाई करती हैं, उन पे भी काम किया जो अर्थ की रेंज के बाहर प्लैनेट्स चले जाते हैं, सब पे काम किया ग्रेविटेशन पे। तो उसने अपने फिनोमिनास और लॉज को लगाया, और कौन से लॉज को, ग्रेविटेशन और जो भी जो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये वो सब लगाया, और उन पे लगाए इसने राइट। अब ग्रेविटेशन का लॉ 2 पत्थरों पे भी चलता है और 2 प्लैनेट्स पे भी चलता है, देखो स्केल अप हो गया चीज, तो पूरे यूनिवर्स में चीजों को समझना इजी हो गया हमारे लिए। फिर उसके बाद अगर आप और हिस्ट्री में चलो तो 1820-1830 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, फैराडे और ओरेस्टेड, इन्होंने काम किया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाले, मैग्नेटिक फील्ड्स निकाले, और जब इन्होंने काम किया इन्होंने ये देखा कि ये फिनोमेनास आर इनसेपरेबल, ये सेपरेट नहीं किए जा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट है मैग्नेटिक नहीं है, या मैग्नेटिक है इलेक्ट्रिक नहीं है, ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है, इनको अलग स्टडी करना हम करते जरूर हैं पर ये आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है। एग्जांपल है, आप अगर करंट कैरिंग वायर लें, एक वायर में अगर करंट है और उसके आसपास एक मैग्नेटिक नीडल को रख दें, तो मैग्नेटिक नीडल क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन, इसका मतलब करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा उल्टा करते हैं, आप जनरेटर में जाएं, जनरेटर में 2 मैग्नेट्स लगी होती हैं और बीच में कॉइल को घुमाया जाता है, कॉइल जब घूमती है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बिजली प्रोड्यूस हो जाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देना है और मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, दे आर फॉर्म ऑफ एनर्जीज, तो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम जस्ट कन्वर्ट करते हैं। ये चीज काफी देर बाद, 10-10 साल बाद, 200 साल बाद लोगों को पता लगी। देखो हिस्ट्री बना रहा है पूरा। फिर और लोगों ने, साइंटिस्ट ने काम किया, और लोगों ने काम किया, तो मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे रेडियो वेव, आप मोबाइल पे बात करते हो रेडियो वेव जनरेट होती है, खाना गर्म करते हो माइक्रोवेव जनरेट होती है, तो ये सब उन्होंने जनरेट किए राइट। तो आप देख रहे हो चीजें आपस में क्या है, लिंक्ड है सारी की सारी चीजें, ऐसी और भी डिस्कवरी चलती गई, सारी की सारी चीजें आपस में लिंक्ड होती जा रही हैं। फोर्स से कहानी स्टार्ट हुई थी, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स आई, मैग्नेटिक फोर्स आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला, फिर उसके बाद क्या किया,
कि इसके बाद और थ्योरीज ऑफ रिलेटिविटी लोगों ने निकाली, आइंस्टाइन ने निकाली थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी निकाली, और इस तरीके से ये एडवांसमेंट चलती गई, राइट। तो एक फोर्स अगर आप वर्ड देखें तो फोर्सेस आपस में रिलेटेड है, आपने देखा, तो हम इस टर्म को बोलते हैं आपस में रिलेटेड हैं ये पूरे के पूरे, और इसको हम क्या बोलते हैं, अचीवमेंट इन यूनिफिकेशन। जब मिलाया गया पूरी हिस्ट्री को तो चीजें, पिक्चर बहुत क्लियर नजर आई, हर फोर्स आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ये यूनिफिकेशन है। क्लियर है यहां तक? तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जब बहुत सारी फोर्सेस आप स्टडी कर रहे हैं तो ये देखना कि एक फोर्स दूसरी फोर्स के साथ रिलेटेड ही है, ये यूनिफिकेशन है। जब एनसीईआरटी में दो लाइन में जस्ट इसको लिखा गया है और कुछ नहीं है। शीट किसके पास नहीं है, प्लीज लो ये वाली पीछे ही नहीं है, हो गई सबकी शीट पूरी, ठीक ठीक है यहां तक। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लॉज, लॉज की कंजर्वेशन मैं आपको बहुत ज्यादा बता नहीं सकता क्योंकि अभी तक हमने लॉ की कंजर्वेशन की नहीं है, और आज करनी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आज का टॉपिक था ये, जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम को हमने स्टडी करना था, बट क्योंकि अभी क्या है कि वो पूरा लेक्चर कंज्यूम करेगा हमारा नेक्स्ट टाइम का, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि इसने सारे जितने भी प्लस वन प्लस टू के लॉज है इकट्ठे एक लाइन में लगा दिए। ये कहता है देखो हम चार लॉज या तीन चार लॉज पढ़ेंगे पूरे प्लस वन प्लस टू में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो आपको समझ में आता है कि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहती है और कैन बी कन्वर्टेड इंटू वन फॉर्म इंटू अनदर, ये आपको पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने नेक्स्ट लेक्चर में कर ही लेना है, तो इसको यहां डिस्कस करने का फायदा नहीं है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम हम कर नहीं सकते क्योंकि ये चैप्टर रोटेशनल मोशन का पार्ट है, एंगुलर मोमेंटम ये उसी के अंदर कवर हो सकता है, इससे पहले कवर ही नहीं हो सकता, और इसको पढ़ना भी बहुत बड़ी बेवकूफी है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तब समझ में आएगा जब लीनियर मोमेंटम समझ में आएगा, और लीनियर मोमेंटम और एंगुलर वर्ड समझने के लिए आपको एक और चैप्टर करना पड़ेगा, सर्कुलर मोशन। तो ये बहुत बड़ा वर्ड है इटसेल्फ एंगुलर मोमेंटम, जो समझ में नहीं आ सकता और नहीं भी करना हमने, मैं नहीं करवा रहा। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि एक बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है 10 कूलम का चार्ज है तो वो हवा में उड़ नहीं सकता, उसका वो कांस्टेंट ही रहेगा। आप अगर ऐसा करो उसको दूसरी बॉडी में शिफ्ट कर दो चार्ज को, तो लेकिन टोटल चार्ज विल रिमेन सेम, तो गायब नहीं हो सकता चार्ज, तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चेंज हो सकता है लेकिन कंजर्व रहेगा। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक प्लस टू में करवाया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी वालों ने इसको नाम देके छोड़ दिया, ये हम करेंगे, कुछ नहीं है, ये चैप्टर के कंटेंट्स बता रहा है ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक। तो अभी नहीं कर सकते इसे हम उसके, और पूछेगा भी नहीं, इसकी चिंता भी मत करना कि कोई आ गया, कुछ नहीं आएगा। मेरे पास आए स्कूलों के पेपर पड़े हैं, तो मैं आपको स्कूल सितंबर से पहले रिवीजन भी करवा दूंगा एक बार, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ताकि हम एक बार पेपर में करने से पहले, और पैटर्न भी बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आपको पूरा लिखने को भी कहूंगा। तो वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं मैं जो स्कूल में आए हुए हैं आज तक के, तो वो जितने भी स्कूल के पेपर्स हैं उनका, जैसे फोर्स का अलग कर दूंगा, फ्रिक्शन अलग, तो उसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको असाइनमेंट की फॉर्म में लिख के दिखाने हैं मुझे, तो उसके बाद वही क्वेश्चन स्कूल में रिपीट होते रहते हैं, तो उन्हीं पे हम करें। अभी नहीं, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जब 15 दिन बच जाएंगे फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे धीरे धीरे, क्लियर है? तो नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डन, अभी हमने बेसिक्स कर लिया इसका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नेक्स्ट टाइम करना है, एंगुलर मोमेंटम हमने करना नहीं, हालांकि बुक्स ने इसको लिखा हुआ है, बट बहुत बार ऐसा होता है लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं जब ये चैप्टर एनसीईआरटी का, और आधे लोग तो, मतलब आधे तो नहीं, कम से कम 10% लोग बिलीव इन नॉन मेडिकल छोड़ देते होंगे कि यार ये तो पता नहीं क्या है, ये नहीं हो सकता। जो फर्स्ट लेक्चर एनसीईआरटी का है ही ऐसा, वो उसको उसको करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो ऐसी बातें कर रहा है जो 2 साल में हमने करनी है अभी, तो कैसे समझ में आएगा किसी को, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ये कैसे चल रहा है चैप्टर। और आपको भी अब थोड़ा आइडिया हो रहा है, वो भी 2.5-3 महीने बाद, कि हाँ कुछ कुछ ऐसा होता है, फर्स्ट लेक्चर में तो उड़ी जाता है कि पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रीज ऑफ नेचर। मैं इस पूरे टॉपिक को ना, इसने तो बहुत बड़ा एक्सप्लेन किया, एनसीईआरटी 2 लाइन में समझाती है। एनसीईआरटी के अंदर ये वर्ड इंपॉर्टेंट लिख लेना, कहां पे लिखा हुआ है, स्पेस एंड टाइम, सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम।
सिमेट्रीज ऑफ स्पेस एंड टाइम के अंदर बेसिकली क्या बताया गया है कि अगर मैं कोई न्यूटन का लॉ एग्जांपल लेता हूं, न्यूटन का लॉ लगाऊं और कहां लगाऊं, न्यूटन का लॉ आज इस जगह पे लगाता हूं मैं और मान लो वो एक रिजल्ट देता है, अगर मैं स्पेस चेंज कर लूं किसी और जगह के क्लासरूम पे सेम लॉ लगाऊं तो आंसर सेम आएगा। एक्सपेरिमेंट सेम कर रहा हूं, ये थोड़ा ना कि क्लासरूम चेंज करने से न्यूटन का लॉ चेंज हो जाता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पेस, तो स्पेस से इंडिपेंडेंट है। या फिर आज करूं या अगले साल करूं तो भी आंसर सेम आएगा। तो स्पेस एंड टाइम वर्ड समझ में आ रहा है, तो कहीं पर भी कर लो यूनिवर्स में और किसी भी टाइम पे कर लो, आज कर लो अगले साल कर लो, आंसर सेम आएगा। तो वो सिमेट्रिकल ही रहेगा, सिमेट्रिकल ही रहेगा नेचर में, वो किसी से चेंज नहीं होगा फैक्टर से। और स्पेस एंड टाइम मैंने बता दिया का क्या सिग्निफिकेंस है, बस इतना ही सफिशियंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता। बट अगर आ जाए स्पेस एंड टाइम के साथ सिमेट्री के साथ क्या लेना देना है, एटलीस्ट आपको एक लाइन लिखनी आएगी कि सिमेट्रिकल रहेगा, सेम आंसर देगा किसी भी स्पेस एंड टाइम के अंदर, राइट। तो ये टाइप ऑफ फोर्सेस का कुछ एक आधा पेज एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, पर एसएल रोड़ा थोड़ी बड़ी बुक है और कुछ ज्यादा डिटेल में इसने लिखा हुआ है, जितनी शायद रिक्वायर्ड भी नहीं है। फिर उसके बाद मार्क करो ये यूनिट्स कन्वर्जन, ये आपने याद करने हैं। एक फर्मी में कितना डिस्टेंस होता है मीटर में, 10^-15 मीटर होता है, इसको टिक मार्क कर लो। एक एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है, इसे टिक मार्क कर लो। एक नैनोमीटर का मतलब 10^-9 मीटर होता है, टिक मार्क कर लो। माइक्रोन का मतलब माइक्रो का मतलब 10^-6 मीटर, इसे मार्क कर लो। क्लियर है यहां तक? ठीक। फिर इसके बाद लाइट ईयर आपने सुना भी होगा। तो एक लाइट ईयर में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर से मल्टीप्लाई करोगे तो लाइट ईयर आएगा। लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10^8, और टाइम कितना है, 365 डेज × 24 × 60 × 60 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करके एक लाइट ईयर में इतने मीटर है, इसे बॉक्स में डाल लो। कई बार लाइट ईयर को मीटर में सीधा लिखना आ सकता है। ये भी क्लियर है यहां तक? बिल्कुल पहला चैप्टर एनसीईआरटी का टोटल याद करने वाला चैप्टर है और कुछ नहीं है। और जो चैप्टर हम आज कर रहे हैं फोर्स का, आप देख लो कितना फर्क है इन दोनों के। उसमें फोर्स वाला चैप्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा सा थ्योरी में ज्यादा है, एनसीईआरटी टाइप आइटम है ये एकदम। ठीक। नेक्स्ट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन से अर्थ के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, 1 AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है, 1.49 × 10^11 मीटर। ये भी क्लियर है यहां तक? इसको भी बॉक्स में अंडरलाइन कर लो। ठीक, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पार्सेक। तो पार्सेक क्या होता है, देखो हमारे पास किसी भी स्टार का या प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करने के बहुत तरीके हैं। उनमें से एक तरीका जो हमने देखा वो था लाइट ईयर, मीटर, लाइट ईयर, और ऐसी एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसको क्या बोलते हैं, पार्सेक। पार्सेक सबसे बड़ा यूनिट है। पार्सेक निकलता कैसे है, देखो पार्सेक कैसे निकलता है, ध्यान इधर, ये पढ़ा नहीं जाएगा आपसे, ये तो गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैं, ये तो अंडरलाइन करवा रहा हूं पढ़ पढ़ के। ये बहुत मुश्किल है पढ़ना, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी पढ़ेगा कौन, और इतने बड़े 12 पेज हैं इसके, कम से कम 12 पेज में इतनी छोटे फॉन्ट पे लिखी हुई है, और बहुत मुश्किल है। तो आप प्लीज मेन मेन चीजों को ऑनलाइन ध्यान से सुनते जाओ। तो पार्सेक सबसे बड़ा यूनिट है एस्ट्रोनॉमी में डिस्टेंस मेजर करने का। पार्सेक होता क्या है, मान लो एक स्टार है, ये स्टार है और ये सन है और ये अर्थ है। सन और अर्थ का डिस्टेंस कितना है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हम क्या करते हैं, सन का इस प्लैनेट स्टार से अर्थ का डिस्टेंस का एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल 1 सेकेंड है, आपको के सेकेंड शायद मैथ्स में करवाया होगा। जो एंगल्स हैं उसको मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका क्या होता है, रेडियंस। एक क्या होता है, डिग्री। एक क्या होता है, मिनट्स। और एक क्या होते हैं, तो सेकेंड सबसे छोटा है। और ये देखो डिग्री में तो यार ये एंगल बहुत छोटा बनेगा, आप सोचो ये सन कोई पॉइंट थोड़ी ना यार, बॉल थोड़ी ना, सन अर्थ और वो स्टार, इनके बीच में एंगल देखो कैसे निकालोगे आप। ये मान लो आपके पास ये एंगल, ये बहुत दूर है, स्टार कौन सा नजदीक है, लाइट ईयर में होता है स्टार,
तो ये एंगल बहुत ही छोटा बनने वाला है, बहुत दूर है ना, तो जितने दूर ऑब्जेक्ट्स होंगे एंगल छोटे होंगे, तो बड़े बड़े 45 डिग्री 60 डिग्री तो होने से रहे, ये तो सेकेंड्स में होंगे बहुत छोटे, तो सबसे छोटा यूनिट सेकेंड है, तो 1 सेकेंड है। तो पार्सेक कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सेक्टर माना जाता है एक सर्कल का, आपने सुना होगा एक सेक्टर ऑफ सर्कल में अगर ये एंगल थीटा है और ये क्या है आर्क और ये क्या है रेडियस, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ऐसे ही होता है। क्लियर है यहां तक? सेम है, इसमें एंगल कितना है 1 सेकेंड। मैं बताऊंगा ये 1 सेकेंड को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसका तरीका है हमारे पास। 1 सेकेंड आर्क ये बन जाएगी, आर्क क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो यहां से ये आर है, ये आर है, ठीक, रेडियस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके एल डिवाइडेड बाय थीटा, तो ये आर लिखना डायग्राम में, आर करो ये आर, इस डिस्टेंस आर को हम पार्सेक बोलते हैं, ये आर है, ये आर है, दोनों आर कर लो, ये भी और ये भी, आर और आर कर लो, इस आर को 1 पार्सेक बोलते हैं। देखो पार्सेक का मतलब है, पार्सेक का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस बनेगा अर्थ का इस स्टार के साथ, कब, जब ये एंगल कितना होगा 1 सेकेंड, तो जब ये एंगल 1 सेकेंड होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टार और अर्थ का डिस्टेंस इज 1 पार्सेक। तो ये मान लो आर है, तो मैं इस डायग्राम में ऐसे कर लेता हूं, ये सन है, ये अर्थ है, और लेट अस सपोज ये अर्थ है, ठीक, और ये 1 सेकेंड है, ये आर है, ये 1 सेकेंड है, और ये 1 AU है, तो मुझे पता है एंगल इज आर्क, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, एंगल इज आर्क बाय रेडियस, ये ना सेक्टर की फॉर्म में ले लिया मैंने इसे, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 AU डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है यहां तक। ये जो रेडियस होगा, जब ये एंगल कितना होगा 1 सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं यूनिट को, 1 पार्सेक, ये 1 पार्सेक हो जाएगा। तो पार्सेक कब कहलाता है, जब ये एंगल क्या हो जाता है 1 सेकेंड। अब मुझे पता है कि 1 AU की वैल्यू क्या होती है, 1.4 × 10^11 मीटर पुट कर दी मैंने, और 1 सेकेंड को रेडियंस में कन्वर्ट करने का तरीका है मैथ्स में, वैसे हम थोड़ी देर में वो भी करने वाले हैं कि कैसे कन्वर्जन करते हैं, अभी के लिए 1 सेकेंड का मतलब 1/3600 होता है, और इसको अगर रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। इसको सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा, नहीं करना चाहते मत करो, बॉक्स में इसे जरूर डाल लो कि 1 पार्सेक किसके इक्वल है 3 × 10^16 मीटर, ये नोट कर लो, और ये लाइट ईयर है 3.26 लाइट ईयर। तो आपको ये तो शायद ना आए, पर आपको कन्वर्जन जरूर आ सकती है कि डिफाइन 1 पार्सेक और उसमें कितने मीटर होते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, और जो ये लिख पाए वो तो बहुत ही बढ़िया है, ये ज्योमेट्री बना देगा, फिर तो पता लग ही जाएगा टीचर को कि आपको पार्सेक पता है क्या होता है। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से पार्सेक निकाले जाते हैं, ठीक है यहां तक? और इसको हाईलाइट कर लेना, एक पार्सेक बहुत बड़ा होता है, उससे छोटा लाइट ईयर होता है, उससे छोटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है AU, ये इनकी ज्योमेट्री है, राइट? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, ये कन्वर्जन करने की मेरे को लगता नहीं है जरूरत है, कन्वर्जन को देखना चाहे देख ले, स्कूल के टीचर से पूछ ले, पर मेरे को लगता है कि सफिशियंट है। अगर कन्वर्जन आ भी जाएगी तो हमने अपने यूनिट्स याद किए हुए हैं, एक एंगस्ट्रॉम AU में कितने मीटर है, पार्सेक में कितने मीटर है, तो हम उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप ये अगर सॉल्व एग्जाम्पल देखना चाहो देख सकते हो, लेकिन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही लगती है मुझे। आपका जो ये नेक्स्ट है 2.14 पे आओ, क्वेश्चन अगर आएगा 3 नंबर का वो इस चैप्टर में से आएगा, मैं मार्क करवाऊंगा क्या आएगा। तो इसके अंदर मतलब वो एक चैप्टर था एनसीईआरटी का, ठीक, एक चैप्टर था मैथमेटिकल टूल्स एंड फिजिकल वर्ड करके एक चैप्टर है ना, उसमें ये स्टार्टिंग है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय डायरेक्ट मेथड, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि सपोज करो इस केस में लेंथ क्या है वो तो पता ही है, डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स लेंथ है, और क्वेश्चन आएगा कि आप ये बताओ कि कौन सा डिवाइस यूज करोगे
अगर आपको डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 3 से लेके 10 की पावर 200 मीटर तक मेजर करना है तो डिवाइस इज नोन एज मीटर स्केल, तो मीटर स्केल से ही मेजर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको डिस्टेंस 10 की पावर माइनस 4 मीटर, बहुत छोटा डिस्टेंस है, 0.0001 मीटर मेजर करना है तो स्केल से मेजर करना मुश्किल है। तो लैब में इक्विपमेंट आता है जिसको क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से इतने छोटे डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगर आपको और एक्यूरेट करना है, और छोटा डिस्टेंस मेजर करना है 10 की पावर माइनस 5 मीटर, तो आप यूज करोगे स्क्रू गॉज या फिर स्फेरोमीटर। तो ये डिवाइसेस लैब का पार्ट है। अब आगे लैब में एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं वर्नियर कैलिपर्स पे और ये लैब का पोर्शन आ जाता है। ठीक है यहां तक। इसके बाद इनडायरेक्ट मेथड, ये मशीन्स डायरेक्टली आपको डिस्टेंसेस मेजर करके देती हैं, पर हमारे पास कुछ ऐसे मेथड भी हैं इनडायरेक्ट मेथड जिससे कि बिना किसी स्केल के आप डिस्टेंसेस को मेजर कर लेते हैं। कैसे? जैसे पहला मेथड है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड में जैसे ये बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग की लेंथ मेजर करनी है, आप स्केल से तो क्या ही करोगे, तो आप क्या करते हो, बिल्डिंग से एक्स दूरी पे चले जाते हो, इसकी टॉप फ्लोर से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर कर लेते हो थीटा। अगर आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा मालूम है, एक्स मालूम है, तो एच कैन बी कैलकुलेटेड, टैन थीटा इज एच बाई एक्स, एच इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, मतलब आप टिग्नोमेट्री लगा के एच निकाल सकते हो। ये इनडायरेक्ट मेथड है टू कैलकुलेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है यहां तक? तो कोई स्केल नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली हमने इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया। जैसे अच्छा, इस बुक की खास बात और भी, एसएल रोड़ा की बुक की जिसे लेनी है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक क्वेश्चन जरूर देता है कि ये टॉपिक पे क्या क्वेश्चन आएगा, टॉपिक का नाम, फिर उसके बाद क्वेश्चन देगा। जैसे ट्रायंगुलेशन मेथड है, क्वेश्चन है डिस्क्राइब अ मेथड टू मेजर हाइट ऑफ एन इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट लाइक अ माउंटेन। माउंटेन की हाइट, बिल्डिंग की हाइट मेजर करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड है। तो टीचर लोग भी क्या करते हैं इस क्वेश्चन को, सीधा बच्चे भी क्या करते हैं, जो क्वेश्चन मालूम होता है। ये बुक सबसे काम की चीज तभी है, क्वेश्चन भी बना के दे रही है, टीचर का काम आसान कर रही है, बच्चे का काम आसान कर रही है, दोनों का काम आसान कर रही है, इसलिए मेरे को पसंद भी है। ठीक, अच्छी बुक है ये। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक। नेक्स्ट है ट्रायंगुलेशन मेथड फॉर हाइट ऑफ इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट। मतलब बिल्डिंग तो फिर भी ऐसी थी जहां पर आप जा सकते हो। मान लो ये एक पहाड़ है या कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी एक ऐसा हाइट है जिसकी हाइट आपको मेजर करनी है, लेकिन यहां पर मान लो रिवर है, आप जा ही नहीं सकते आगे, या कोई भी प्रॉब्लम है अपने, लेकिन हाइट मेजर करनी है, तो फिर आप यहां तक तो आ सकते हो। मान लो ये वाला डिस्टेंस एक्स है, आप यहां से मेजर कर लो थीटा वन एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर आप यहां पे चले जाओ डी डिस्टेंस पे, आप एंगल मेजर कर लो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा टू, तो आपको एच निकालना है। फिर आप वो टेंथ के क्लास में न्यूमेरिकल कर, तो ट्रिग्नोमेट्री किया करते थे, इन ट्राइंगल दिस कॉट थीटा वन इज एक्स बाई एच, और यहां से कॉट थीटा टू इज डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एच, इन दोनों को माइनस कर लो, माइनस करके ये रिजल्ट आ जाएगा। अब मैथ में से कई क्वेश्चन करते थे टू फाइंड दी हाइट, तो एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी निकालते थे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
पर जारी किया। चीन बाहरी शक्तियों को हांगकांग के मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा और इलाहाबाद द्वारा ही लगाओ स्टार। ये आएगा क्वेश्चन पैरलेक्स, यहां से आएगा। तीन नंबर का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पैरलेक्स मेथड एंड हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ मून या स्टार विद द हेल्प ऑफ अ पैरलेक्स मेथड। पक्का आएगा, यहां से लेके यहां तक थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तीन नंबर अगर आएगा तो इसमें से पक्का आएगा पैरलेक्स। देखो पैरलेक्स मेथड, पैरलेक्स होता क्या है पहले इसको समझते हैं। Parallax is the apparent shift in the position of an object with respect to another when we shift our eye sidewise. जब कोई object, ये मान लो एक object है और let us suppose एक minute के लिए मैं इसको right eye से देखता हूं तो मुझे ना ये जब आंख ऐसे बंद करोगे ना आपको ये object थोड़ा इधर move करता हुआ दिखाई देगा। जब आप इसको बंद करोगे आपको object इधर move करता हुआ दिखाई देगा। कर सकते हो आप चाहो तो करके देख लो, पास रखो, एक आंख बंद करके देखो, शिफ्ट नजर आता है क्योंकि हमारी दोनों आंखें अलग अलग एंगल से देखती हैं, ठीक। तो आपको शिफ्ट नजर आएगा पक्का, ठीक। इस शिफ्टिंग को पैरलेक्स बोलते हैं, कितना शिफ्ट नजर आ रहा है आपको, ये पैरलेक्स है, ठीक। यहां तक तो पैरलेक्स के लिए एक एंगल है जिसको पैरलेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है ओ, तो एक लेफ्ट आई है एक राइट आई है, तो लेफ्ट और राइट आई का डिस्टेंस आपने लिया एस और एस, ये एंगल जो बनेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों आईज से वो बनेगा थीटा, इसको पैरलेक्स एंगल बोलते हैं थीटा। दिस एंगल इज नोन एज पैरलेक्स एंगल, जो लेफ्ट और राइट आई ऑब्जेक्ट पे जाके बनाएंगे। और मान लो ये डिस्टेंस कितना है बी, लेफ्ट और राइट आई के बीच में डिस्टेंस इज बी, तो मुझे इस ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको एक सर्कल के सेक्टर की तरह लूं, इसको सर्कल के सेक्टर की तरह लूं, तो एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। सेक्टर के अंदर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बी डिवाइडेड बाय रेडियस एस। तो यहां से एस कैन बी कैलकुलेटेड, तो एस की वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर हम चाहें। तो ये टेक्निक समझ में आ गई कि एस की वैल्यू, ये एक ऑब्जेक्ट और आई के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अप्रोक्सीमेट निकलेगा, एग्जैक्ट नहीं निकलता, इसमें अप्रोक्सीमेशंस हैं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर एस निकालना हो, एंगल पता हो, बी पता हो, तो आंसर आ जाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब इस मेथड को यूज करके क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पैरलेक्स, तो आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट इज पैरलेक्स, लेफ्ट और राइट डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। फिर वो कहेगा हाउ कैन यू कैलकुलेट या फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून और एनी प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ पैरलेक्स मेथड। इंपॉर्टेंट बात करो इसे, मून का डिस्टेंस निकालना है विद द हेल्प ऑफ पैरलेक्स, ठीक है यहां तक। इसके लिए आपने क्या करना है, ये ज्योमेट्री बनानी है। इसके लिए आपने ये ज्योमेट्री बनानी है। देखो इस ज्योमेट्री में है क्या, मैं मून का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। एक चीज ध्यान से समझना, अगर ये पेन यहां पर है और मैं लेफ्ट और राइट आई का एंगल बनाऊंगा, एंगल कुछ बनेगा, पेन दूर कर लूंगा ये एंगल छोटा हो जाएगा, पेन और दूर कर लूंगा एंगल और छोटा हो जाएगा। अच्छा पेन नहीं है, मून को देख रहा हूं, एंगल क्या बनेगा, सेकेंड में मैं कह रहा हूं सेकेंड भी नहीं बनेगा। मून इतनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है कि लेफ्ट और राइट आई तो छोड़ो, अगर गाड़ी उठा के पूरी रात भी चलते जाओगे ना हाईवे पे
तो भी मून आपके सर पे ही नजर आएगा, एंगल कहां से बनेगा। दोनों आंखें खोल खोल के देखना, अगर मून यहां दिख रहा है ना तो आपको कई डिस्टेंस तक मून, ये तो नहीं है कि मून पीछे रह गया और हम तो दिल्ली पहुंच गए, नहीं है ना। मून मतलब इतनी इतना बड़ा है और इतनी दूरी पे है कि हमारे दो आईज उस पे एंगल बनाएंगे कि आप बन ही नहीं सकता एंगल, इतनी दूर है, या इतना छोटा बनेगा, इतना छोटा बनेगा, इतना छोटा बनेगा, मेजरेबल ही नहीं है। ठीक, तो हम पैरलेक्स मेथड दो लेफ्ट और राइट आईज पे लगा नहीं सकते, लेकिन हमें लगाना है। उसने कहा पैरलेक्स मेथड, तो एक काम करते हैं, इसको ले चलते हैं और मैं चलता हूँ, मेरा नाम है लेफ्ट आई, दोनों आंखों से देखूंगा तो एक आंख ही मानी जाएगी, मून को देखना है तो दो आंखें एक ही आंख के काम करेगी, और ये राइट आई, इसको छोड़ देंगे कहीं मैं भी दिल्ली से भी आगे 500-700 किलोमीटर आगे, और मैं यहीं रह जाता हूँ। 1000 किलोमीटर लगा लो, 500 लगा लो, कुछ तो लगाओ जहां पर कम से कम मून आपको अलग अलग एंगल से दिखे। ये देखो अर्थ की सरफेस है, एक बंदे को यहां खड़ा दिया, ये कई 100 किलोमीटर दूर है। अब अमेरिका भी नहीं खड़ा ना कि मून दिखना बंद हो जाए, वो भी नहीं हो सकता, पर एक दो स्टेशन जहां पर कम से कम मून आपको अलग अलग साइड से दिखे। तो ये बन जाएगी लेफ्ट आई, ये बन जाएगी राइट आई। अब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, मून का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली एस है। आप ये निकाल दो, एक ही बात है, टेढ़ा सीधा, क्योंकि मून इतना दूर है, लाखों किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियसली उसमें फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो बंदा खड़ा है ये वर्टिकल लाइन खींचेगा, इस वर्टिकल लाइन के साथ किसी तरीके से ये एंगल निकाल देगा जमीन पे 51 की, जैसे मान लो ये मून है और वर्टिकल की स्केल से मशीन्स होती हैं, तो ये एंगल निकाल देगा 51 है। ये बंदा भी क्या करेगा, वर्टिकल के साथ एंगल निकाल देगा 52, जमीन के एंगल तो निकल ही सकते हैं 51 52, तो ये बोलेगा कि मेरे को मून 51 एंगल पे नजर आ रहा है ग्राउंड से इस वर्टिकल लाइन से, और इसको मून इस वर्टिकल से 52। ठीक है, पर हमें ये एंगल चाहिए नहीं, हमें तो ये चाहिए। एक काम करते हैं, इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बाय अल्टरनेट एंगल, अगर ये 51 है तो ये भी 51 है, अगर ये 52 है तो ये भी 52 है, तो टोटल एंगल क्या बन जाएगा 51 प्लस। तो आपकी ज्योमेट्री ऐसी बन जाएगी, ये ज्योमेट्री है, अप्रोक्सीमेटली ये डिस्टेंस कितना है बी, मून का अर्थ से डिस्टेंस कितना है एस, ये टोटल एंगल आ चुका है कितना, थीटा इज इक्वल टू कितना 51 प्लस, तो ये एंगल क्या माना जाएगा, पैरलेक्स एंगल। वेदांती क्लियर है यहां तक, ये पैरलेक्स एंगल है। तो कैसे निकलेगा पैरलेक्स एंगल मून के लिए, समझ में आ रहा है, लेफ्ट और राइट आई से निकलेगा नहीं, अर्थ की दो लोकेशन से निकलेगा। क्लियर है यहां तक, तो अब आप इसमें लगाओ एंगल आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, एंगल की जगह क्या पुट कर सकते हो 51 प्लस बी बाय एस, तो यहां से एस कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि एस कैसे आएगा, कोई डाउट इसमें? ठीक ठीक, देखो अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पैरलेक्स डेफिनेशन, क्वेश्चन आएगा फाइंड डिस्टेंस ऑफ मून, एक्सप्लेन कर देंगे सारा, या फिर क्वेश्चन आएगा फाइंड डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार। मून और स्टार में फर्क होता है, मून पे तो रॉकेट भेजा जा सकता है, भेजा भी है अभी, स्टार पे तो लाइट ईयर है, कहां से भेजोगे, राइट समझ आ रहे हैं यहां तक? तो स्टार का डिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप यहां खड़े हो जाओ, आप दिल्ली खड़े हो जाओ, मैं कहता हूं किसी कंट्री चाइना में जाके खड़े हो जाओ, स्टार तो आपके ऊपर ही रहेगा,
क्योंकि स्टार इतनी दूर है, इतनी दूर है कि यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ। देखो मून तो फिर भी दिखता है, पोजीशन चेंज करते, नज़दीक है। स्टार बहुत ज़्यादा दूर है, वो तो आप कई कंट्री भी चेंज कर लोगे तो भी आपको ज़्यादा आसानी से नज़र नहीं आएगा कि एंगल दूरी पे है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है बाय पैरेलेक्स मेथड। अब आप दो बंदे खड़ा भी दोगे ना एक दूसरे कंट्री में, किस कंट्री में, तो आपको एंगल मिलने वाला है नहीं। फिर एक काम करते हैं, ये सन है, अर्थ रोटेट कर रही है, एक साल लगाती है रोटेट करने में, ये रहा स्टार, ये रहा स्टार। तो क्या करेंगे, वेट करेंगे 6 महीने लोकेशन चेंज करने की। अर्थ यहां पर आएगी, यहां पे इस स्टार का डिस्टेंस, ये हम वर्टिकल के साथ एंगल निकाल लेंगे θ1, फिर वेट करेंगे 6 महीने बाद अर्थ दूसरे एंड पर आएगी, ये आ गई, फिर वर्टिकल के साथ एंगल निकालेंगे कितना θ2, फिर इमेजिन करेंगे θ1 + θ2, और ये अर्थ का डिस्टेंस डायमीटर हमें पता है उसका ऑर्बिट का, फिर लगेगा इसमें एंगल, एंगल θ1 + θ2 इज थीटा विच इज पैरलेक्स एंगल इज आर्क बाय रेडियस, आर्क बाय रेडियस। तो थीटा इज θ1 + θ2, आर्क बाय रेडियस। तो आर्क किसके इक्वल है, डायमीटर ए बी, और रेडियस किसके इक्वल है, अप्रोक्सीमेटली डी। तो डी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये लिख के आना है आपको जब स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? दोनों में फर्क समझ में आया? ओम क्लियर है यहां तक? ठीक, अच्छी टेक्निक है। इंटेंसिटी मेथड एक और भी तरीके डिस्टेंस निकालने का। नहीं अभी तो आधा घंटा और है, दुखी मत हो, अभी और सुनना है, पर आज खत्म ही करेंगे इसे, रोज रोज नहीं सुनना, वापस फोर्थ पे भी चलना है, वो इंटरेस्टिंग है। फिजिक्स पूरे साल ऐसी नहीं है, बस एक ही दिन ऐसी है इस दिन। वास्तुशैली वाली है और उसमें इमारतें, मंच, मंटप और देखो इसमें ध्यान से आगे देखो, एक इंटेंसिटी का तरीका भी है डिस्टेंस निकालने का। ध्यान आगे प्लीज, आगे ध्यान आगे प्लीज। इंटेंसिटी का मेथड क्या है ध्यान से समझना, एक लॉ है इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी का लॉ ये कहता है कि इंटेंसिटी होती क्या है, पहले ये समझ लो। लाइट को मेजर किया जाता है बाय टर्म इंटेंसिटी। हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है, लाइट की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो इंटेंसिटी क्या एनर्जी है? नहीं, इंटेंसिटी एनर्जी नहीं है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, कि एक स्टार कितने एरिया में लाइट को सेंड करता है और कितनी देर में करता है। तो एनर्जी तो है ही है, लेकिन डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय एरिया, तो इस पूरी टर्म को इंटेंसिटी बोलते हैं। पर हमें यह सीखने की जरूरत नहीं अभी इंटेंसिटी क्या है, क्योंकि ये वेव चैप्टर आएगा, साउंड की इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, हम लास्ट चैप्टर में ही इसको करेंगे। पर अभी कुछ इंटेंसिटी टर्म होती है जो कि अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर ये मान लो प्लैनेट है या कोई भी स्टार है और ये आई इंटेंसिटी की लाइट निकाल रहा है, तो जितने दूर जाओगे इंटेंसिटी कम होती जाती है। ऑब्वियसली डिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि लाइट जो है हर तरफ फैलती जा रही है, तो स्टार की लाइट फैल रही है तो इसमें, या सन की लाइट, या कोई भी, या बल्ब के लिए ऊपर भी लॉ वैलिड है, एक बल्ब ले लो चाहे, तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, लाइट कम होती जाएगी जैसे जैसे आप दूर जाएंगे बल्ब से या स्टार से या इस प्लैनेट से। तो ये रूल है कि अगर आप आर डिस्टेंस दूर आ गए तो इंटेंसिटी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
आर स्क्वायर, ये प्लस टू में आएगा या प्लस वन के एंड में भी आ सकता है, कि कोई भी लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जितनी दूरी पे आओगे आर ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी कम होगी। तो हम क्या करते हैं, हम ना दो स्टार्स लेते हैं, स्टार की लाइट फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसके ऊपर गिरी जाती है और वह इंटेंसिटी मेजर करने का तरीका होता है। तो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, दो स्टार्स की लाइट को मेजर कर लेते हैं कि उसमें कितनी इंटेंसिटी आ रही है। मान लो फर्स्ट स्टार में आई वन आ रही है और मान लो उस स्टार का डिस्टेंस कितना है आर वन, तो यानी कि फर्स्ट स्टार के लिए आई वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वन स्क्वायर और सेकेंड स्टार की इंटेंसिटी मेजर करते हैं आर टू स्क्वायर, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, आई वन बाई आई टू इज इक्वल टू वॉट आर टू स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर। तो आपके सामने ही है आई वन बाई आई टू आर टू स्क्वायर बाई आर वन स्क्वायर, और यहां से अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आर वन की वैल्यू आ गई। तो एक एक स्टार का अगर डिस्टेंस पता है, दोनों स्टार की लाइट की इंटेंसिटी पता है, तो यहां से उस स्टार का डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। ये चार में से तीन टर्म अगर पता है तो चौथी कैन बी कैलकुलेट। ये एक और तरीका होता है हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस, ठीक। ये एक और पर ज्यादा फेमस पैरेलेक्स है, तो पैरेलेक्स के ऊपर ही क्वेश्चन आता है स्कूल में। उसी तरीके से दो तरीके, दो जो प्लैनेट्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है, एक इंफीरियर प्लैनेट्स हैं और एक सुपीरियर प्लैनेट्स हैं। जो इंफीरियर प्लैनेट्स हैं जो अर्थ और सन के बीच में लाई करते हैं, जैसे मार्स इंफीरियर है, और जो सन के पीछे अर्थ के पीछे लाई करते हैं जैसे जुपिटर, वो सुपीरियर है, वो पीछे है। तो इनके डिस्टेंसेस को भी मेजर किया जा सकता है। जो तो अर्थ और सन के बीच में पास वाले प्लैनेट्स हैं उनका अगर डिस्टेंस मेजर करना है, उनका डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए एक मेथड बनाया गया। तो लिखा हुआ है इसमें, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ एन इंफीरियर प्लैनेट। तो एक साइंटिस्ट था कोपरनिकस, तो इस मेथड को यूज इसने बनाया, और क्या किया इसकी ज्योमेट्री को समझते हैं। मान लो इस उसने सबसे पहले यह माना कि प्लैनेट्स जो है वो एलिप्स में नहीं, वो सर्कल में घूम रहे हैं, जबकि एक्चुअल में सर्कल में नहीं है। तो उसने बोला कि बाय ज्योमेट्री ये सन, ये मान लो कोई प्लैनेट मार्स या कुछ भी, और ये अर्थ। तो सन और अर्थ का डिस्टेंस क्या है, आर ई एस, अर्थ सन। सन और प्लैनेट का क्या है, आर प्लैनेट सन, और इनका डिस्टेंस क्या है, आर प्लैनेट अर्थ, ठीक। ये जब सिचुएशन बन जाती है, ये सिचुएशन कब बनती है, व्हेन इलोंगेशन, इस एंगल को इलोंगेशन का एंगल बोलते हैं, ई फॉर इलोंगेशन। अर्थ पे जो एंगल बनेगा सन से और प्लैनेट से, ये इलोंगेशन मैक्सिमम वैल्यू अटेन करती है जब ये वाला एंगल प्लैनेट पर 90 हो जाता है। तो ये मेथड काम ही तब करेगा जब ये एंगल क्या हो जाएगा, 90। तो अगर ये 90 है और ये एंगल हमें मालूम है, तो ये तो हमें डिस्टेंस पता ही है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है AU, ये 1 AU लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1 AU, सन और अर्थ के बीच में डिस्टेंस 1 AU, ठीक। तो आप यहां से ज्योमेट्री लगा के साइन इलोंगेशन या कॉस इलोंगेशन लगा के इन डिस्टेंसेस को निकाल सकते हो। तो यही इसने किया। इसके अंदर बताओ साइन इलोंगेशन क्या होगा, आर पी एस डिवाइडेड बाई आर ई एस 1 AU। तो यहां से आर पी एस कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये देखो यही किया हुआ है इसने, इसने इस ज्योमेट्री को यूज किया, ज्योमेट्री को यूज करके साइन ऑफ इलोंगेशन इज आर पी एस बाई आर ई एस, आर पी एस इज इक्वल टू आर ई एस इनटू साइन इलोंगेशन, और अर्थ और सन के डिस्टेंस को AU बोलते हैं, तो प्लैनेट का डिस्टेंस आ जाएगा सन से। तो अगर ये मेथड आता है तो बाय ज्योमेट्री आप इस मेथड को भी लिख सकते हो, अगर आता है इंफीरियर प्लैनेट्स का डिस्टेंस निकालने के लिए, चांस बहुत कम है, फिर भी फॉर मतलब आप ये कहो कि एक वो है प्रिकॉशन ले रहा हूं कि अगर फंस गए लिखने लायक कुछ तो हो, ऐसा ना होना पता नहीं क्या चीज है सुनी नहीं हमने, ठीक। तो क्वेश्चन पेपर अनअटेम्प्ट नहीं छोड़ना कभी भी, ये पहला रूल है प्लस वन प्लस टू का, और बहुत बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, रफ की तरह नहीं लगना चाहिए, फंसोगे मैं बता रहा हूं, ठीक। बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए।
तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि 10 साल पहले देखो डिस्टेंस ऑफ सुपीरियर प्लैनेट। अब जो प्लैनेट अर्थ के पीछे लाए करते हैं उनका भी तो डिस्टेंस निकाला जाए, उनके लिए ये मेथड फेल है क्योंकि अर्थ से हाँ नाइंट आगे प्लैनेट होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है केपलर, केपलर्स लॉ। केपलर ने क्या कहा कि अगर सपोज करो कोई भी एक प्लैनेट है जो सन के आसपास घूमता है, ठीक, इस प्लैनेट का एक चक्कर कैपिटल टी टाइप में पूरा होता है और उसका एवरेज रेडियस यहां से ए है, तो उसने कहा कि जो प्लैनेट का टाइम पीरियड है और जो रेडियस है वो आपस में इस तरीके से प्रोपोर्शनल है। तान्या क्लियर है? दैट इज टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये लॉ है, ये लॉ है। अब तू कहेगा इसका प्रूफ, इसका प्रूफ ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा। नहीं, अब आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, ये चलेगा अक्टूबर में। इसका मैथमेटिकल प्रूफ आएगा, केपलर लॉ के प्रूफ आपके आपके फाइनल पेपर के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, प्रूफ करो केपलर्स दिस लॉ। तो उसमें मैं आपको डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, उसमें ये आएगा। तो किसी भी प्लैनेट के लिए ये वैलिड है। तो अगर मान लो एक अर्थ ले लेते हैं, अर्थ का टाइम पीरियड घूमने का पता ही 365 डेज होता है और अर्थ का डिस्टेंस भी पता होता है, ए कितना होता है, हमें डिस्टेंस पता है हमें अर्थ का घूमने का। और एक कोई और प्लैनेट ले लेते हैं जिसका टाइम पीरियड T2 हमें पता है और डिस्टेंस उस प्लैनेट का सन से कितना है, A2। तो एक प्लैनेट वो लो जिनकी वैल्यूज पता है, एक वो लो जिनकी वैल्यूज निकालनी है। इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो T1 स्क्वायर A1 क्यूब, T2 स्क्वायर A2 क्यूब। तो यहां से A2 कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे पहला प्लैनेट 1 वाला अर्थ है, अर्थ का डिस्टेंस A1 पता है, अर्थ का टाइम पीरियड T1 पता है, मान लो दूसरे प्लैनेट का भी टाइम पीरियड पता है तो दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेट, मतलब इस रेशियो से आप A2 कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसा कुछ कर सकते हो। बट इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इसलिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका प्रूफ तो बहुत बढ़िया तरीके से पूरा चैप्टर है इसका, तो ये तो उस चैप्टर में कवर हो ही जाएगा, ठीक। तो ये एक तरीका है। और इसके अलावा डायमीटर ऑफ मून, जो मून का डायमीटर निकालना है, अब मून का डायमीटर देखो ये भी अप्रोक्सीमेटली है, ये मून है, मून का डायमीटर डी है, मून के इन दो एंड से अगर आप यहां अर्थ पे खड़े हो और ये एंगल निकाल दो थीटा, तो ये फिर से एक सेक्टर बन जाता है, एंगल इज आर्क बाय रेडियस एस। तो एंगल इज आर्क, आर्क इसमें डी है डायमीटर, रेडियस इसमें एस है, तो यहां से डी कैन बी कैलकुलेटेड। तो इसका आने का चांस कम है, तो वैसे ही बता रहा है कि एंगल इज आर्क बाय रेडियस है, डायमीटर कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये मेथड एक मेथड है जिससे कि बड़े बड़े स्टार और मून के डिस्टेंस निकाले जाते हैं। अब छोटी बात भी करते हैं, रिफ्लेक्शन और इको मेथड। तो डिस्क्राइब अ मेथड टू मेजर डिस्टेंस ऑफ हिल, एक पहाड़ का डिस्टेंस निकालना है तो हमने पहले भी किया था ट्रायंगुलेशन मेथड, ज्योमेट्री लगा के ट्रिग्नोमेट्री लगा के निकाल सकते हो। एक और तरीका है, वो कहते हैं पहाड़ पे खड़े हो जाओ या दूर खड़े हो जाओ, सामने पहाड़ है, गोली चलाओ, गोली चली, साउंड आई,
साउंड गई, पहाड़ से टकराई, इको वापस आई। तो आपने गोली यहां से चलाई, ये पहाड़ है, तो एस डिस्टेंस साउंड गई, एस डिस्टेंस साउंड वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2s। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जाने और आने का टाइम नोट करना है कि जब गोली चली थी, जब इको रिफ्लेक्ट होके वापस आई थी, तो टोटल टाइम टी। तो यहां से एस कैन बी कैलकुलेटेड वी इनटू टी डिवाइडेड बाय 2, ऐसा जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो रिफ्लेक्शन मेथड से भी एस कैन बी कैलकुलेटेड। उसी तरीके से वो कह रहे डिस्क्राइब अ रिफ्लेक्शन मेथड, रिफ्लेक्शन फिर से इको रिफ्लेक्शन मेथड की हेल्प से डिस्क्राइब करो, मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ मून। अब कह रहे मून का डिस्टेंस, अब देखो कमाल की बात है और अजीब लगेगा सुन के, कह रहे गोली तो नहीं चला सकते, साउंड की वेट तो नहीं करेंगे, गोली चला के मून से जाएगी, टकरा के साउंड वापस आएगी, नहीं आएगी। कह रहे कोई बात है, लेजर लाइट ले लो, लेजर लाइट को मून पे फेंको और लाइट जाएगी, मून की सरफेस पे टकराएगी और वापस आएगी। टाइम नोट कर लो उसका, जाने और आने का। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 2s। जाने और आने का s और s 2s। स्पीड ऑफ लाइट c इनटू टाइम t। s कैन बी कैलकुलेट। मुझे नहीं पता ये मेथड एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, पर मुझे बड़ा अजीब लगा ये यहां पढ़ के कि मून पे लेजर फेंकेंगे, ऐसी कितनी स्ट्रॉन्ग लेजर होगी जो मतलब कि अभी रॉकेट अभी महीना लगाएगा वहां जाने में, अभी वो अभी महीना लगाएगा, तो लाइट तो चलो फिर भी 3×10^8 है, पर इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट की मतलब जाएगी मून की सरफेस टकरा पर, लेकिन मेथड डिस्कस हुआ है तो मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअल में क्या कितना सक्सेसफुल है, पर हाँ किताबों में तो है। ठीक, आपने वो भी देखा होगा, वो न्यूज में दिखा रहे थे वो रॉकेट जो गया अभी चंद्रयान, तो उसमें क्या होगा, अभी वो गया तो कुछ टाइम के बाद वो अर्थ की सरफेस के आसपास गोल गोल घूमेगा, ऑर्बिट बड़ा करेगा, जब बड़ा हो जाएगा तो फिर प्रोजेक्टाइल की तरह मून की तरफ जाएगा, फिर मून के उसमें ग्रेविटेशन के पुल में आ जाएगा, फिर सर्कल छोटा करेगा और फिर लैंड कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा कि रॉकेट जब लॉन्च करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, और रॉकेट जब ग्रेविटी के पार चला जाता है तो कैसे बिहेव करेगा, और दूसरे प्लैनेट के उसमें आएगा तो कैसे काम करेगा, ये आपके सिलेबस के अंदर है। तो मतलब फिजिक्स इंटरेस्टिंग होती जाएगी, लेकिन जब इसको छोड़ के, इस चैप्टर को अगर छोड़ दें, बाकी सब नॉर्मल है। एक ही चैप्टर, एक लेक्चर है पूरे साल में जो बस इस टाइप का चलता है, अदरवाइज सब सही है। ठीक, अंडरलाइन करो, एक नंबर में आएगा लेजर की फुल फॉर्म, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर फुल फॉर्म। ठीक, ऐसे ही एक और मेथड है रडार मेथड, ये शायद सुना होगा 9th-10th में, रडार, रडार की फुल फॉर्म आएगी, रडार, रडार स्टैंड फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक, तो रडार कब यूज करेंगे, जैसे प्लेन जा रहा है या कोई भी प्लैनेट जा रहा है, तो इसमें कौन सी वेव्स यूज करेंगे, हम लोग क्या करते हैं इसमें रडार में, हम लोग इसमें रेडियो वेव सेंड करते हैं ट्रांसमीटर से, जैसे वो प्लेन जा रहा है तो रडार डिटेक्ट कर लेता है, तो वो क्या करता है कॉन्टिन्यूसली रेडियो वेव एमिट करता जाता है, अगर ऑब्जेक्ट रास्ते में आ जाए तो टकरा के वेव वापस आ जाती है, तो डिटेक्ट हो जाता है कि कोई ऑब्स्टिकल है ऊपर, अगर वो वापस नहीं आती इसका मतलब है कुछ नहीं है। तो अगर मान लो एक ऑब्स्टिकल है तो स्पीड ऑफ लाइट से रेडियो वेव जाती है सी, फिर वापस आती है सी, तो टोटल डिस्टेंस जाने और आने का 2s सी इनटू टी, तो एस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट सोनार मेथड, सोनार की फुल फॉर्म अंडरलाइन करो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें साउंड नेविगेशन, ये ओशन के अंदर सबमरीन चल रही है उसमें काम आता है,
अगर मान लो सबमरीन चल रही है आगे दिख नहीं रहा तो आगे ऑब्स्टिकल है, तो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव को भेजते हैं, अगर ऑब्स्टिकल है वापस आएगी वेव, अगर ऑब्स्टिकल नहीं है तो सीधी चली जाएगी। ऑब्स्टिकल का डिस्टेंस निकालने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव जाएंगी और वापस आएंगी, टोटल डिस्टेंस 2s स्पीड इनटू टाइम, तो यहां से s कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये जो मेथड है लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने के मेथड है, और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, इसको एक मिनट देख लेते हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन को कन्वर्जन है ये एंगल्स की, कि कैलकुलेट एंगल 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियंस, सब रेडियंस में कन्वर्ट करने हैं, और गिवन है 360 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं 2π, एंड 1 मिनट 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स, एंड 1 सेकेंड में कितने, 1 मिनट में कितने सेकेंड है 60 सेकेंड, डबल डैश का मतलब सेकेंड है, ठीक है यहां तक। तो सबसे पहले काम करते हैं, 360 डिग्री 2π रेडियंस है, तो 1 डिग्री 360 को डिवाइड कर दो, क्या बचेगा 1 डिग्री में 2π बाय 360 रेडियंस है आंसर, एक आंसर आ गया। तो 1 डिग्री में इतने रेडियंस हैं, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में याद रखना 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, इतने रेडियंस, तो एक काम करते हैं 1 डिग्री की जगह इतने रेडियंस पुट कर देते हैं, तो 60 मिनट में इतने रेडियंस है, क्योंकि दिस स्टैंड फॉर 1 डिग्री। तो 1 मिनट में क्या करना पड़ेगा, 60 को इससे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1 मिनट में इतने रेडियंस है। अब नेक्स्ट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, पर 1 मिनट में कितने रेडियंस है, इतने रेडियंस है, तो 1 मिनट की जगह इतने रेडियंस, तो 1 सेकेंड में 60 से डिवाइड करेंगे इतने रेडियंस, तो कन्वर्जन की हुई है आपस में, कि डिग्री रेडियंस और सेकेंड्स आपस में कैसे कनेक्टेड है। क्लियर है यहां तक? ठीक, वेदांती क्लियर है? ठीक, और इस पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के नीचे एनसीईआरटी, ठीक, ओके। लास्ट टू मेथड्स, इनडायरेक्ट मेथड अगेन, बस खत्म कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, बस अब ज़्यादा नहीं, मैं मेरे भी कैपेसिटी है, मैं कैसे लेक्चर दे रहा हूँ मुझे मालूम है। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, देखो अभी तक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मून का डिस्टेंस निकाल देंगे, स्टार का भी निकाल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे, चाहे अभी कुछ ना निकाल पाए, अब क्या है, अब छोटे डिस्टेंस निकाल लेंगे, अब किसका डिस्टेंस, मॉलिक्यूल और एटम का साइज निकाल देंगे, जो दिखता नहीं उसका साइज निकाल के दिखाएंगे, अब कोई मीटर स्केल तो है नहीं कि जो एटम का साइज निकाल के दिखाएगा, एटम दिखेगा तब तो निकलेगा, तो इसके लिए थोड़ी केमिस्ट्री चलेगी थोड़ी देर अब। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, शायद केमिस्ट्री में सुना हो, सुना हुआ है? अच्छा, नहीं सुना तो अब सुन लो, मैं सुना देता हूं। सपोज करो इसका वॉल्यूम वी है, इस बॉक्स का वॉल्यूम V है, और वॉल्यूम कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेंसिटीज मास बाय वॉल्यूम
वॉल्यूम इज मास बाय डेंसिटी. तो मैंने क्लेम किया, ये कहता है कि देखो सर इसका वॉल्यूम वी है. मैंने कहा ठीक, मैं माइक्रोस्कोप लेके बैठ गए. मैंने कहा देख इसमें एटम ही एटम है, गोल गोल गोल, स्फेयर ही स्फेयर भरे पड़े हैं, पैक्ड. तो मैंने इसे कहा कि देख इसका वॉल्यूम वी नहीं है. वो कहता कैसे. मैंने कहा देख ये एटम्स हैं, ये एटम है, इसके अंदर वॉइड है, खालीपन है इसमें, क्योंकि स्फेयर के बीच में खाली जगह है. तो अगर तू एक्चुअल वॉल्यूम लेगा, ये देखो ये एक्चुअल वॉल्यूम्स हैं, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो तू मुझे वॉल्यूम बोल रहे ना वी, उससे तो पक्का कम ही आएगा. कि तूने मुझे बॉक्स का वॉल्यूम वी बोला, तो एक्चुअल शेडेड वॉल्यूम जो आता है वो 2/3 ऑफ वी आता है. ये एवोगैड्रोज ने हमें बताया था. क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली हम एक काम करते हैं. आपने आप लोगों ने केमिस्ट्री में किया होगा, अगर m मॉलिक्यूलर मास है, m ग्राम ऑफ सब्सटेंस के अंदर कितने एटम्स होंगे, n एटम्स होंगे, और हम क्या निकालने जा रहे हैं, एक एटम का रेडियस. तो n एटम्स हैं, तो बताओ नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम में कितने हैं, n बाय m, यही करते हो ठीक. एवोगैड्रोज नंबर को m से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एटम्स. मान लो एक एटम का रेडियस कितना है, स्मॉल r है. वॉल्यूम कितना है एक एटम का, 4/3 πr³. और 1 ग्राम में एटम कितने हैं, n बाय m. तो एक एटम के वॉल्यूम को टोटल नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें तो एटम का क्या आ गया, 1 ग्राम के अंदर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आ गया. आप लोग क्या क्लेम कर रहे हो कि वॉल्यूम मेरा कितना है, वी. लेकिन ये एटम का एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है जो आप क्लेम करते हो, उससे 2/3. तो ये क्वेश्चन समझ में आ रही है, ये एक्चुअल वॉल्यूम है एटम का, और कितना हो जाएगा 2/3 times जो वॉल्यूम आप क्लेम करते हो ठीक. और आप वॉल्यूम निकालते कैसे हो, आप निकालते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. लेकिन आपने मास 1 ग्राम लिया, तो ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1 बाय डेंसिटी. तो वी की जगह 1 बाय रो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर क्यूब निकलेगा. आर क्यूब का क्यूब रूट लोगे तो आर आएगा, तो यहां से आर तक छोड़ देना है. दिस इज द रेडियस ऑफ एटम विच कैन बी कैलकुलेटेड. तो ऐसे रेडियस ऑफ एटम निकलते हैं. क्लियर है यहां तक? तो इनडायरेक्ट मेथड कैसे काम करेगा समझ में आ रहा है. और लास्ट, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड. ये एक सोप का बना हुआ एसिड है, सोप ऑयली टाइप होता है. तो ये बेसिकली क्या होता है कि सोपी, मतलब सोप, वो जो चिकनापन होता है इसमें, इसके मॉलिक्यूल ना बड़े होते हैं थोड़े से. तो बड़े होते हैं तो इसका आपको साइज निकालना है. साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड इज अ सोपी लिक्विड विद लार्ज मॉलिक्यूलर साइज. इसमें थोड़ी सी ज्यादा केमिस्ट्री यूज हो रही है, तो मैं बहुत ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि इसमें कंसेंट्रेशन यूज हो रही है. मुझे नहीं पता कितने लोगों के केमिस्ट्री क्लास में कंसेंट्रेशन के चैप्टर्स हो चुके, अभी नहीं हुए, हो चुका. चलो, तो कंसंट्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए जो आपको अभी है नहीं, तो इस वजह से मैं कह नहीं सकता आपको कितना समझ में आएगा, बट मैं 2 स्टेप में समझाने की कोशिश जरूर करूंगा ताकि जल्दी समझ में आ जाए. इतना आ जाए कि 2 लाइनें लिख सको बस, इसकी कोई रिसर्च नहीं करनी, बस 2 लाइनें लिखने आ जाए, इतना ही बहुत है. आना तो ये 1 नंबर का ही है. तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि एक ना एक टैंक लिया पानी से भरा हुआ, ये रहा पानी से भरा हुआ. हम क्या करते हैं, इसके अंदर ओलिक एसिड लेते हैं, थोड़ा सा ओलिक एसिड वो एल्कोहल में मिक्स कर देते हैं. सॉल्यूशन बना लिया, एल्कोहल हल्की होती है, तो जब आप एल्कोहल और ओलिक एसिड का कॉम्बिनेशन इसमें डालते हो तो एल्कोहल और ओलिक एसिड का सॉल्यूशन ऊपर तैरता है, मिक्स नहीं हो पाता पानी में, ऊपर आ जाता है राइट. तो यहां पे आ जाता है बिल्कुल टॉप की लेयर पे, थोड़ी देर में अल्कोहल उड़ जाता है, ओलिक एसिड सरफेस के ऊपर फैल जाता है. तो थोड़ी देर में आप देखोगे ओलिक एसिड बहुत कम मात्रा में है, बहुत कम अमाउंट में है, तो ये सिर्फ सरफेस पे ही फैल जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता, बस सरफेस जितना उसमें डाला जाता है, वेरी लो कंसेंट्रेशन जिसको बोलते हैं. तो होता क्या है, आपको ना टैंक का एरिया पता है, ये पूरे का पूरा एरिया
तो ऑब्वियसली ये एरिया भी पता होगा ऊपर वाला, और ये थिकनेस है इस टी। अगर मैं आपको थिकनेस बता दूं इसकी, टी थिकनेस, वही क्या माना जाएगा इसका डायमीटर। तो अप्रोक्सीमेट थिकनेस और डायमीटर एक ही बात है। मैं आपको क्या बताऊंगा कि मैंने ओलिक एसिड का कितना वॉल्यूम घेरा है इसके ऊपर, क्योंकि वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू थिकनेस। इस पूरे ओलिक एसिड का वॉल्यूम बता देता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ओलिक एसिड इंटू थिकनेस। वॉल्यूम आ गया, तो यहां से आप थिकनेस निकाल लोगे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया। तो वॉल्यूम मैं आपको निकाल देता हूं, एरिया मान लो टैंक का ए है, तो ये वैल्यू पुट करके थिकनेस आ जाएगी जो कि डायमीटर माना जाएगा ओलिक एसिड का। तो ये देखो, टी इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। वॉल्यूम कैसे आया बता देता हूं, अपॉन एरिया। वॉल्यूम कैसे आया उसके लिए एक केमिस्ट्री का प्रोसेस है। वो कहता है कि सबसे पहले क्या करना है आपने, 1 cm³ ऑफ ओलिक एसिड लेना है, एक बिल्कुल बूंद लेना है 1 cm³, और कितने अल्कोहल में, 20 cm³ अल्कोहल में, यानी कि 20 ड्रॉप अल्कोहल के, तो एक ओलिक एसिड का इतना कम लेना है। एंड देन रीडिजॉल्व 1 cm³ ऑफ दिस सॉल्यूशन इन 20 cm³ ऑफ अल्कोहल। कह रहा है आपने पहले एक बूंद डाला ओलिक का और 20 बूंद डाले अल्कोहल के, मिक्सचर बनाया, इस मिक्सचर को फिर अल्कोहल में डाला सेकंड टाइम 20 cm³, फिर 20 ड्रॉप अल्कोहल डाले, तो यानी कि आपने उसकी अमाउंट अल्कोहल की तो ज्यादा कर दी और ओलिक एसिड की कम कर दी। ठीक, तो अगर मैं फ्रैक्शन, कंसेंट्रेशन तो मैं नहीं समझा पाऊंगा, केमिस्ट्री वाले टीचर सिखाएंगे अभी, फ्रैक्शन तो समझ में आता है। तो पहले फ्रैक्शन कितनी है ओलिक एसिड की, 1/20, एक बूंद और 20 बूंद 1/20, फिर वापस से 20 ड्रॉप फिर अल्कोहल के डाले, तो 1/20 × 1/20 × 1/400, तो 400 ड्रॉप में एक तरीके से एक बूंद जो है वो ओलिक एसिड का इतना कम डालना है, तो इसकी कंसेंट्रेशन इतनी है। अब वो कहता है कि इसका ये जो मिक्सचर बना बहुत सारे अल्कोहल के साथ ओलिक एसिड का, इस मिक्सचर के अंदर एक ड्रॉप लो, एक ड्रॉप उस टैंक में डालो जिसका वॉल्यूम वी है। अब वी ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी है, और मान लो आपने कितने ड्रॉप्स डाले, एन ड्रॉप्स डाले, तो टोटल कितना वॉल्यूम डाला, एन इंटू वी। लेकिन इस एन इंटू वी में अल्कोहल भी है और ओलिक एसिड भी है, तो ओलिक एसिड की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो 1/400, तो 1/400 इंटू जो आपने वॉल्यूम डाला इंक्लूडिंग अल्कोहल, तो ये वॉल्यूम किसका आ गया मिला के, सिर्फ ओलिक एसिड का। तो पुट कर दिया, थिकनेस की वैल्यू आ गई, थिकनेस डायमीटर माना जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब आपने काम करना है, स्कूल हर कोई जाता है, अपने टीचर के पास जाना है और ये पूछना है क्या मैं ये चैप्टर करूं या ना करूं। आप में से 30% स्कूल के टीचर बोल देंगे मत कर, 70% हो सकता है बोल दें कि कर ले, मैं डालूंगा क्वेश्चन। अब ये टीचर डिपेंडेंट है, मॉडल स्कूल के टीचर मोस्ट प्रॉबली आंसर यस कहेंगे, क्योंकि वो तो पैरलेक्स और लेंथ टाइम मेजरमेंट पक्का डालते ही हैं, तो मॉडल स्कूल वाले तो ना ही पूछें ज्यादा अच्छा है, तो वो तो उनको तो करना ही है। फिर भी अगर कोई मॉडल स्कूल का टीचर बोलता है कि चलो मैं नहीं डालूंगा, तो उसकी मर्जी है, इस चैप्टर के बारे में जरूर पूछ लेना, डालूं कि ना डालूं वो उसकी मर्जी है, पर मैंने ये करवा दिया, अगर काम आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, ठीक पूछ लेना जाके, कि क्योंकि कई टीचर छोड़ देते, कई टीचर मार्क कर देते हैं सिर्फ पैरलेक्स करा, बाकी छोड़ दें। यहां तक क्लियर है पहले तो?